हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करते हो बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो अभी मॉर्निंग का समय है। मैं नहा धोआ के एकदम रेडी हो गई हूँ और मैं कुछ सामान का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर की हूँ। आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। बस सामान आ जाए तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। मेरी बालकनी से ऐसी व्यू आती है जो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। इवनिंग टाइम में मेरी बालकनी से सनसेट का व्यू काफ़ी अच्छी आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पुणे का मौसम ऐसे ही हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का। तो चलो, लगता है सामान आ गया है मेरा जो मैं मंगाई हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या मंगाई हूँ मैं। हस्बैंड जी रिसीव कर लिए क्या क्या आया है। आज मेरा लगभग राशन सब कुछ ख़त्म हो रखे थे। मैं मंगाई हूँ आटा, यहाँ 2 पैकेट आटा मंगा ली हूँ। दूध दही ये सब सारे चीज़ ख़त्म हो रखे थे, सब चीज़ मंगाई हूँ मैं। आ रही हूँ, इसको फ्रीजर में रख दे रही हूँ क्योंकि जो अभी मैं डिश बनाने जा रही हूँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको फ्रीजर में डाल दे रही हूँ। यहाँ पर खोआ है, अरनब के गुलाब जामुन बनाने हैं इसीलिए। यहाँ पे पनीर है। मेरा फ्रिज जब भी देखोगे मेरा इसमें पनीर जरूर रहता है क्योंकि अरनब को पनीर पराठा बहुत ही पसंद आता है। जब भी वो बोलता है मैं बना देती हूँ। आज मेरा पूरा फ्रिज फुल हो गया है सब चीज़ों से, दूध दही पनीर घी मलाई सबसे। तो ये सलाद का सामान है, सलाद, और ये रहा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मेरा फेवरेट है, इसकी फ्रेगनेंस हमको काफ़ी अच्छी लगती है। इसका मैं पौधा लगाने वाली हूँ, आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। ये रहा ड्रम स्टिक, इसको सहजन बोलते हैं, गाँव में ये इजिली मिल जाते हैं। यहाँ तो 3-4 ही 50-60 रुपये में देता है, इतना महंगा देता है फिर भी लेना पड़ता है, क्या करें। अरनब यहाँ बाथरूम से आ गया है, वो ब्रश करेगा। वो पैंट इसलिए नहीं पहना है कि वो नहाएगा ब्रश करने के तुरंत बाद, और उसका फेवरेट वाला डिश बनने वाला है तो इसलिए वो जलेली काम कर रहा है। उसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दे रही हूँ। मेरी बॉयलर ख़राब हो गई है तो बस इसी में कर दे रही हूँ। तो ये रहा मेरा सरप्राइज़ इडली डोसा बेटर जो मैं रात में बना कर रख दी थी, काफ़ी अच्छी। अभी खमीर आ गई है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बनेगी मेरी। मैं इडली बनाओ या डोसा बनाओ या स्पंजी डोसा बनाओ, जो भी चीज़ मैं बनाऊँ इससे अभी सब कुछ परफेक्टली बनेगी क्योंकि मेरा वेटर बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो बस मैं जल्दी लग जाती हूँ काम पे क्योंकि वह अरनब आ जाएगा नहाकर तो उसको इडली चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसमें अभी नमक ऐड कर दे रही हूँ, रात में ऐड नहीं की थी तो भूल गई थी तो अभी कर दे रही हूँ। इसमें मैं कोई भी सोडा इनो कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों को देना है तो ये सब हेल्दी नहीं होते, तो इसमें मैं कुछ भी सोडा, खावा सोडा, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस ऐसे ही बनाती हूँ नॉर्मली, बिल्कुल फ्रेश और अच्छे। तो बस इडली के लिए बिल्कुल बेटर तैयार है, परफेक्ट है। यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो गया है, साचा में 1 बूंद तेल लगा कर ऐसे बेटर रख दीजिए और बस इस 15 से 20 मिनट स्टीम के लिए लगा दीजिए। आपको 15 से 20 मिनट में इडली बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। मैं इडली के साथ सांभर बनाने जा रही हूँ और नारियल की चटनी भी बनाऊंगी साथ में। तो यहाँ पे बस मेरा इडली हो गया, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। मैं हाथ इसको लगाई तो चिपचिपा सा कुछ लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये 1-2 मिनट और पकेगी, अच्छे से पकी नहीं है। कितने तू पिक से टेस्ट कर लेते, पर मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। बस यहाँ सांभर के लिए जीरा और सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर सांभर बनाऊंगी, बिल्कुल नॉर्मली वाले, कोई मसाले ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा क्योंकि अरनब को खाना है। इसमें मिर्च भी ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि अरनब तीखा बिल्कुल नहीं खाता है, 1-2 हरी मिर्च है, ज़्यादा है ही नहीं। तो कड़ी पत्ता आप ज़रूर इसमें ऐड करो क्योंकि कड़ी पत्ता से जो इसकी टेस्ट और फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी लगती है। मार्केट में जो सांभर मिलती है इडली डोसा के साथ, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कभी नहीं खाती, अगर मैं मजबूरी में कभी इडली डोसा अगर मार्केट का खाने को पड़ा मेरे को तो मैं सांभर मोस्टली फेंक ही देती हूँ क्योंकि उसका बिल्कुल टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे घर का सांभर भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। आपको इसमें जितनी भी सब्ज़ी ऐड करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ड्रम स्टिक ज़रूर आप ऐड करना क्योंकि उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। बस सारे को हल्के से उसको फ्राई करने हैं, बाकी नमक हल्दी
और मैं घर में सांभर मसाले बनाई हूँ मिक्सी में, सब कुछ मसाले थोड़े थोड़े डालकर मैं मिक्सी में सांभर मसाले ऐड की हूँ। ये तो हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ बस। और उसके बाद सांभर मसाले ये रहे मेरे डब्बे में, मैं घर में तैयार की थी सांभर मसाले, क्योंकि वो भी मैं मार्केट का नहीं लाई थी, क्योंकि बच्चों के लिए जितना हेल्दी आप दे सको बच्चों को आप दे सकते हो। बस नमक ऐड करके इसमें गर्म पानी मैं डालूंगी, गर्म पानी से जल्दी इसे पक जाती है इसलिए मैं गर्म पानी ऐड करूंगी। मैं इसमें दाल थोड़े से डाल दे रही हूँ, तूर दाल है, तूर दाल इसका टेस्ट बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें तूर दाल यूज़ करती हूँ। बस इसको मिक्स करके पानी डाल के 2 सीटी आने तक इसको आप पकाइए और गर्मा गर्म सांभर का मज़ा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। इस ब्लॉग में आपको इडली सांभर और चटनी तीनों की रेसिपी बता दी एक ही ब्लॉग में, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई। मैं तीनों रेसिपी एक ही ब्लॉग में लेकर आ गई हूँ। तो सांभर मेरी 2 सीटी आने तक पकाऊंगी बस, और नारियल की और हरी धनिया की चटनी बनाने जा रही हूँ बिल्कुल अपने तरीके से। यहाँ पे मेरी इडली बन गई है बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट, बिल्कुल जो आप लॉन्ग टाइम तक रख के, मतलब लॉन्ग टाइम 2-3 घंटे तक आप रख सकते हो, बिल्कुल वो सॉफ्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं नारियल को बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हूँ, इसको मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे धनिया हरी मिर्च जितनी आपको तीखी चाहिए स्पाइसी चाहिए आप डाल सकते हो, इसको फाइन पेस्ट तैयार कर लिए। उसके बाद तड़का के लिए कढ़ाई में जीरा नहीं मैं डालती हूँ, सरसों और ये कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से इसको तड़का लगाऊंगी। इसको पकाना नहीं है, बस इसको तड़का लगाकर हल्का सा फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, बस हो जाता है। ज़्यादा पकाइएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो बस इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी और मेरा ये रहा मेरा चटनी तैयार हो गया। इसमें कोई जोत भी नहीं होता, इसमें झंझट ही नहीं होता चटनी में। सांभर में थोड़े बहुत तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, चटनी में ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है, पर मैं सांभर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरा अर्नब को पसंद आता है, चटनी वो नहीं खाता है ज़्यादा। तो बस ये रही मेरी रेडी हो गई। फिर दूसरी बार मैं इडली बना ली, क्योंकि मैं 2 बार बनाई इडली, तो लगभग मेरा सारा डिश बन चुका है। इधर मैं खाने के लिए आ गई, ये सब प्रिपरेशन करने के लिए मेरे 1 से 1.5 घंटे लगे, तो इतना मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता ही ना। खाई हूँ मैं, लेकिन वीडियो और ब्लॉग तो आपके लिए मैं बनाई हूँ, मेहनत की हूँ भाई, तो 1 लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अर्नब को यहाँ पे टेस्ट करवा रही हूँ चटनी के साथ, क्योंकि वो सांभर के साथ खा रहा है तो चटनी वो टेस्ट ही नहीं करेगा, तो टेस्ट करवा के बताते हैं कैसा लगता है उसको। तो बस ये खा लिया तो ठीक है फैमिली, आप भी बनाइए, आप भी खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसे 6 ब्लॉग के साथ। सांभर में ज़्यादा पानी हो गई, इतना पानी नहीं होनी चाहिए थी। तो बस हम लोग खा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टू नेक्स्ट।